आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज पेपर फोर्थ बी में हमने आज बात करनी है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का। फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक क्या है? रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम। टॉपिक क्या है हमारा? रोल हमने करना है, रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम। ठीक है, 16 मार्क्स का बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक, सबसे पहले हम कुछ टर्म्स हैं, हम उनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे कि अब आप लोगों को पता है कि डिसिप्लिन तो इतना अंडरस्टैंड हो गया होगा, 4 से 5 लेक्चर हमारे लग चुके हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपके पास मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विद अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। कि अगर हम किसी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या होगा, लॉजिकल स्ट्रक्चर साथ में होगा। ये नहीं है कि कल हम लोग एग्जांपल ले रहे थे स्टोर रूम और दूसरे रूम का, तो ये नहीं है कि भर रखा है, ठूस रखा है, नहीं। एक लॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ, एक बैकग्राउंड के साथ, एक हिस्ट्री के साथ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, डिसिप्लिन। ठीक है, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करते हैं तो डिक्शनरी मीनिंग के अंदर हम बात करेंगे तो इसका मतलब आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, लेकिन कीप इन माइंड कि एक वर्ड का सिंगल मीनिंग नहीं होता, डिफरेंट मीनिंग भी हो सकते हैं। तो अब तक आप लोगों ने डिसिप्लिन का मतलब क्या पढ़ा था, कि आप अनुशासन से ले रहे हो या रूल्स एंड रेगुलेशन से ले रहे हो। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अपने एक सब्जेक्ट की, फोर्थ बी की। इसके अंडर हम डिसिप्लिन कह लें या अकेडमिक डिसिप्लिन कह रहे हैं, सेम थिंग है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द अकेडमिक डिसिप्लिन? इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विद अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। इतना क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ मीनिंग ही समझ आना है हमको। ठीक है, अगर बारीक बारीक सी बातें समझ में आ जाती हैं तो क्वेश्चन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी, आ गया समझ? तो डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन कह लें या हम कह लें अकेडमिक डिसिप्लिन। तो व्हाट डू यू मीन बाय द अकेडमिक डिसिप्लिन? इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विद अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। कि आप लोगों ने ध्यान देना कि नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है, और उसके साथ एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है कि ठूसा हुआ नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर सीक्वेंस है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड उसको हमने किया हुआ है। द सेकेंड टर्म है हमारे पास डिसिप्लिनरी नॉलेज। क्या है डिसिप्लिनरी नॉलेज? जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर भी आ रहा है कि डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या है, इसको हम बात करते हैं कि सम टोटल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्शन। कि जब भी कुछ लोग इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, उन सब का हमने एक्सपीरियंस इकट्ठा करना है। ठीक है, अब रिसर्चर्स क्या करते थे, नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं पर उसको बांध रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या चीज़ है, वो उनकी इंटरेक्शन है किसके साथ, विद एनवायरनमेंट। कि जिस पर्यावरण में या जिस डिसिप्लिन में वो काम कर रहे हैं, जिस उनका जो एनवायरनमेंट है, उनके साथ जितनी भी उसकी इंटरेक्शंस हैं, उन सब का सम टोटल। ठीक है, एंड द वे ही इंटरप्रिटेट्स दीज इंटरेक्शंस। किस तरीके से, अब एक पर्सन है, वो लेबोरेटरी में अपना एक्सपीरियंस, वो अपना कोई एक्सपेरिमेंट डन कर रहा है। ठीक है, तो उसका एनवायरनमेंट क्या हो गया, एक लेबोरेटरी होगी, जितने केमिकल्स के साथ वो इंटरेक्शन करेगा उतनी उसकी नॉलेज इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि नॉलेज क्या है, डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या है, सम टोटल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। कि जिस डिसिप्लिन के साथ पर्सन जुड़ा हुआ है, उस एनवायरनमेंट में जितनी वो इंटरेक्शंस कर रहा है, उन सब का सम टोटल हमने यहाँ पर किया हुआ है।
ठीक है, कि जितने उसके एक्सपीरियंसेस आए हुए हैं वो खुद से एलोबरेट करेगा या खुद से समझाएगा या वो कहीं पर संभाल कर रख देगा। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिनरी नॉलेज। क्लियर, चले आगे। सो डिसिप्लिनरी नॉलेज जो है, हम ये एक बात और बता दूं कि इट्स द वे कि वन अंडरस्टैंड लाइफ। कि डिसिप्लिनरी नॉलेज को हम कह सकते हैं कि एक पर्सन है कि जो अपनी लाइफ को कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, डिसिप्लिनरी नॉलेज। देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू नॉलेज एक्विजिशन। क्या आप लोगों को पता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं? सुना कभी कि हम नॉलेज कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? कहाँ से? सारी जगह से। उसको हम कहीं ना कहीं कंक्लूड करते हैं कि हम अपनी सेंस ऑर्गन से। सबसे पहले बच्चा जो है नॉलेज कहाँ से ले रहा है? अपनी सेंस ऑर्गन से ले रहा है। ले सकता है? एग्री? कोई एग्जांपल दे सकता है कि हाउ डू वी गेट नॉलेज विद आवर सेंस ऑर्गन्स? कैसे लेते हैं हम सेंस ऑर्गन से अपनी नॉलेज? बताओ। देखो, एक छोटा बच्चा है, अगर उसको फील हो रहा है कि बोतल में या किसी जगह में पानी गर्म है, कैसे फील करेगा वो? टच करके। क्या नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ के, एक बार तो उसने अपना हाथ जला लिया, ठीक है, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, क्या नेक्स्ट टाइम वो बच्चा उस चीज़ को, उस आर्टिकल को या उस जगह पे दोबारा जाएगा? तो ये क्या था कि उसको नॉलेज मिल गई कि डेंजर जोन है, नहीं जाना, ठीक है। छोटा सा बच्चा था, नहीं समझा पाया, या उसको हम नहीं समझा पाए, अगर हम उसको रोक रहे हैं कि मत जा, तो वो नहीं मान रहा। जब उसने सेंस ऑर्गन से वो चीज़ फील कर ली, वो उसने अपना चोट खा ली, ठीक है, तो उसके बाद उसको अकल आ गई है कि नहीं, अब हमने यहाँ से नहीं जाना। तो सबसे पहले नॉलेज को एक्वायर हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स पता होंगे कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा ग्रो करता है, फैमिली मेम्बर से वो सीखता है, नॉलेज लेता है, फिर स्कूल, कॉलेजेस, फिर यूनिवर्सिटीज़, और इस तरीके से वो अपनी नॉलेज जो है वो एक्वायर करता है, ठीक है। बहुत सारे प्रूफ मांगता है कि प्रूफ दो कि जो आप बात कह रहे हो सच है कि नहीं सच। तो प्रूफ हैं, जो लॉज हैं, कंसेप्ट बने हुए हैं, वो भी क्या है, नॉलेज एक्विजिशन के वो टूल्स हैं, ठीक है। जब हम इनको ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, तब इनको हम डिसिप्लिन्स के अंडर कह सकते हैं कि बच्चा नॉलेज कहाँ से लेगा। किसी एक एकेडमिक डिसिप्लिन से नॉलेज ले सकता है, वो किसी सब्जेक्ट से नॉलेज ले सकता है, वो रियलम्स ऑफ नॉलेज से जो है अपनी नॉलेज जो है वो गेन कर सकता है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं डोमेन ऑफ आर डिसिप्लिन। बात कर रहे हैं हम डोमेन। Have you ever heard about domain? क्या domain को पहले कभी सुना है कि domain क्या होता है? ठीक है, चलो आज हम discuss करते हैं कि domain क्या है। Object है upon which intellectual operations of our researchers are carried out. क्यों किए जा रहे हैं, ठीक है, क्यों इतनी research करी जा रही है, क्यों हम उस चीज़ को find out कर रहे हैं? तो main reason क्या है? इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ द रिसर्चर्स आर कैरिड आउट, कि क्या उद्देश्य लेकर उन्होंने ये रिसर्च कैरी आउट की, उसको हम क्या बोलेंगे कि डोमेन है उसका, ठीक है। एवरी डिसिप्लिन वर्क्स ऑन अ डोमेन। हर एक एकेडमिक डिसिप्लिन जो है वो पर्टिकुलर किसी ना किसी डोमेन के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो और हर, आप लोगों को ये भी पता है कि हर ईच एंड एवरी डिसिप्लिन हैज़ थ्योरीज, पता है ना कि हर एक डिसिप्लिन की अपनी थ्योरी है और अपने ही कंसेप्ट हैं, और उसको पता है कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों वो इस पे काम कर रहा है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई इकोनॉमिक्स है, डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन, जो उसका डोमेन क्या होगा कि हाउ टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, कि किन तरीकों से मैक्सिमम लोगों की जो है नीड्स को फुलफिल किया जाए। ये किसका डोमेन है? ये डोमेन ऑफ
डिसिप्लिन है इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स अगर जो बच्चे पढ़ते होंगे तो उन आप लोग देखते होंगे इकोनॉमिक्स का काम क्या होता है, कि मोर प्रॉफिट, कि वो आप लोगों को बता पाएँ कि किन किन तरीकों से आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हो, कम मेहनत में ज़्यादा आप बचा सकते हो, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, मोस्टली कौन बनाता है, इकोनॉमिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसका डोमेन क्या है, कि उसका मेन उद्देश्य क्या है, कि सेटिस्फाई कर सकें मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स को, ठीक है, और अल्टरनेट्स देना कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो ये आपको मिलेगा, नहीं तो आप इस तरीके से काम कर लो। अब हम लोग टैक्स भरते हैं तो बहुत सारे जो टैक्स एडवाइज़र्स हैं वो हमें टैक्स सेव करने की एडवाइस भी देते हैं, टैक्स चोरी की नहीं देते, दे आर गिविंग अस द एडवाइस टू हाउ टू सेव द टैक्स, कि जो टैक्स की मनी है आप उसको, क्योंकि हम लोग उस डोमेन उस डिसिप्लिन की इतनी नॉलेज हमें नहीं होती जितनी टैक्स एडवाइज़र्स को होती है, तो वो हमें वेज दिखाएंगे, रास्ते दिखाएंगे कि इन तरीक़ों से कि आप अपना टैक्स बचाकर अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो। टैक्स चोरी की एडवाइस नहीं देंगे वो, लेकिन इतनी ही अमाउंट से आप हमको सेविंग दिखा सकते हैं, वो हमारे पैसों को इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर सकते हैं, कि इन्वेस्टमेंट उन तरीकों से करवाते हैं कि जिनसे हमारा टैक्स जो है वो सेव हो सके, ठीक है, नेशन को भी लॉस ना हो और पर्सन को भी लॉस ना हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिसिप्लिनरी नॉलेज जो है वो उसका कंसेप्ट इतना क्लियर है, कि अभी हम बैक की बात कर रहे हैं, कि जो क्वेश्चन है हमारा कि रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम, अभी हम ये टर्म्स की बात कर रहे हैं कि डिसिप्लिनरी नॉलेज है क्या, फिर हम बात करेंगे कि स्कूल करिकुलम है क्या, ठीक है, इस तरीके से, फिर क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट टाइम कल या थोड़ी देर बाद इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसकी बैक की बात करते हैं कि कौन कौन से टर्म्स यूज़ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। डिसिप्लिनरी नॉलेज का मतलब क्या होगा, कि नॉलेज हो किसी चीज़ की, हमें नॉलेज लेनी है, या हम कहते हैं रिलेटेड टू एन अकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी, क्या है कि अकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब क्या है, कि या तो हमें किसी चीज़ की नॉलेज हो, वो कैसी होगी, रिलेटेड टू एन अकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का फेनोमेना सुना है, कंसेप्ट सुना हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स का या ग्रेविटेशन का सुना हुआ है, क्या होता है वो गुरुत्वाकर्षण वर्ड सुना है, गुरुत्वाकर्षण वर्ड सुना नहीं, SST में कभी नहीं सुना, क्या होता है अर्थ, हर एक अब कुछ भी हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे क्यों आती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आती है। तो जो एक छोटा सा ये कंसेप्ट है, फेनोमेना है, ये किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ या किस एकेडमिक डिसिप्लिन से लिंक्ड है ये, इसको हम एकेडमिक ऑफ जो एकेडमिकल हमारा वो है डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स कह सकते हैं, फिजिक्स कह सकते हैं हम, कि फिजिक्स का बेस इसका हो सकता है। सो जो ग्रेविटेशनल है इज द कंसीडर टू बी द पार्ट ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज ऑफ फिजिक्स, कि भौतिक अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, या किसी एक फेनोमेना, एक टॉपिक हमने लिया है, क्या लिया है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, इसकी एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है, फिजिक्स, क्लियर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक पार्ट है डिसिप्लिनरी नॉलेज ऑफ फिजिक्स का, इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। अगर आप लोगों ने लैंग्वेज ली है, लैंग्वेज ली है, लैंग्वेज में हमने एक टॉपिक ले लिया, फेनोटिक्स ले ली, या नरेशन ले लिया, या नाउन ले लिया, ठीक है, अगर हम किसी नाउन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे उसको, कि ये डिसिप्लिनरी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की बात है, इतनी बात समझ में आती है। क्या नाउन हम हिंदी इंग्लिश पंजाबी के अलावा कहीं और पढ़ते हैं, क्या सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो लैंग्वेज के अलावा कहीं और काम आता है, नहीं ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कि जो नाउन है वो क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, कि नाउन को हमने मान लिया कि वो डिसिप्लिनरी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज का है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की, क्या है
as the knowledge about how a subject behave into the production approach in the classroom. कि किस तरीके से उस noun की जो knowledge है आप अपने subject के अंदर classroom के अंदर कैसे उसको produce करोगे, कैसे approach करोगे, ये depend करेगा कि जो सिखाने वाला person है उसको कितनी depth में उस चीज़ की knowledge है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, as the knowledge about how a subject behaves into the production, कि जो ज्ञान आपने दिया है उसको प्रोडक्शन कैसे कर पाओगे, उसको आप कैसे समझा पाओगे, कि कौन सी अप्रोचेज हैं जो क्लासरूम में एप्लीकेबल होंगी, हो सकती है या होंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज. क्लियर हुआ. इसके बाद हम इसके नेचर की बात करते हैं. इसका नेचर, इसको हम डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं और ये प्रोसीजरल भी कह सकते हैं, कि इसको हम समझा भी सकते हैं और इसका एक प्रोसीजर भी होता है समझाने वाला. ठीक है, जो नॉलेज है वो स्पेशलाइज्ड टेक्निक से ही गेन होगी. मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल लिया था सेंस ऑर्गन का, तो नॉलेज को गेन करने के लिए स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स का भी हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंस है डिसिप्लिनरी नॉलेज और बिलीफ के अंदर. बता पाओगे क्या डिफरेंस होगा? कि जो हमारी डिसिप्लिनरी नॉलेज है वो कहीं ना कहीं प्रूफ के साथ होगी, लेकिन हमारे बिलीफ्स कई बार प्रूफ पे एप्लीकेबल नहीं होते, वो हमारे एक्सपीरियंसेस पे होते हैं. आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो. अब हम लोग कई बार कह देते हैं कि नहीं कुछ है, आत्मा है या कुछ है, बट साइंस उस कंसेप्ट को नहीं मानता. डिसिप्लिनरी नॉलेज नहीं कहती कि इस तरीके की कोई भी एलिमेंट जो है क्रिएचर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, बट हमारा बिलीफ कहता है. हम कई बार ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं, ठीक है, या तो वो हमारी पैरामेडिकल्स उसके हमारे दिमाग की उपज है या हमारे बुजुर्गों की देन है, क्या चीज़ है हमें नहीं पता. लेकिन जो डिसिप्लिनरी नॉलेज है वो बिलीफ से समटाइम मैच कर सकती है, लेकिन वो उससे अलग भी हो सकती है. क्लियर है. ये मोस्टली क्या होगी, स्टीरियोटाइप होती है और ट्रेडिशनल होती है, कि जैसे हमारे पेरेंट्स को नॉलेज मिली है वैसे ही हमें मिली, ट्रेडिशनली चलती आ रही है. इसके अंदर नया नयापन हम ऐड कर रहे हैं, स्टिल स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो वही है. पहले क्या नाम से गुरुकुल दे देते थे, आश्रम दे देते थे, आज क्या है वो स्कूल्स हैं. स्ट्रक्चर वही है, मेथड वही है, वैसे ही बच्चे आएंगे, टाइम पे जाएंगे. तो ट्रेडिशनल के साथ हम उसके अंदर और एड ऑन कर रहे हैं, बट स्टीरियोटाइपिंग और ट्रेडिशनल वे अभी भी कंटिन्यू है डिसिप्लिन नॉलेज को लेने के लिए. ठीक है, यहाँ पर हम की एलिमेंट्स की भी बात करेंगे, कि यहाँ पर कंसेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप्स का होना बहुत ज़रूरी है, और थ्योरी ऑफ पर्टिकुलर डिसिप्लिन का होना भी ज़रूरी है, तभी हम उसको बोलेंगे डिसिप्लिनरी नॉलेज है. मींस कि अब हम कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहे, हम मॉरल एजुकेशन दे रहे हैं, हम मंदिरों में पढ़ा रहे हैं. सपोज हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर कंसेप्ट है, भगवान से लिंक पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई थ्योरी नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस को कोई प्रूफ नहीं कर सकता. ठीक है, तो जो डिसिप्लिनरी नॉलेज है उसके अंदर थ्री की एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है. किस किस का, कि कंसेप्ट होंगे, रिलेशनशिप होगी, और थ्योरीज होंगी उस एकेडमिक डिसिप्लिन की. ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं. पर्पस है उसका एक, कि गोल हमें चाहिए और ड्राइव दैट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी. फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम डिसिप्लिनरी नॉलेज को हम जो है वो गेन कर सकते हैं. इतना क्लियर है. उसके बाद हम बात करेंगे स्कूल करिकुलम की. किसकी बात करेंगे हम? स्कूल करिकुलम. स्कूल करिकुलम क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल करिकुलम जो है वो दो कंसेप्ट से बना है. कौन कौन से दो कंसेप्ट हैं? एक है स्कूल प्लस करिकुलम. स्कूल क्या है और करिकुलम क्या है? स्कूल क्या है, व्हाट इज अ स्कूल? इतने साल
हाँ, इतने साल मैंने कहा स्कूल में लगा के आए हो, तो क्या आप, अगर आपको कोई पर्सन बोलता है कि डिफाइन द स्कूल, क्या डिफाइन स्कूल की टर्म को डिफाइन नहीं कर सक रहे हो? जहाँ तुम नहीं पढ़ते, एक ऐसी चार दीवारी जिसका फंक्शन ही क्या है, एजुकेशन देना। कोई देने आता है तो कोई लेने आता है, उसकी एक बाउंड्री होगी। विदाउट बाउंड्री देखा है कभी कोई स्कूल? ठीक है, बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री के अंदर हर एक चीज़ का अलग मायने है। ग्राउंड क्यों बनाया गया है उसका अलग मायने है, ऑफिस क्यों बनाए गए हैं, लाइब्रेरी क्यों बनाई गई है, क्लासरूम क्यों बनाए गए हैं, क्लासरूम का क्या स्ट्रक्चर है, इतनी खिड़कियाँ क्यों लगाई गई हैं, एवरीथिंग हैज़ अ लॉजिक। ठीक है, तो ये नहीं है कि चार दीवारी तो हमारे घर की भी है, तो क्या हम घर को स्कूल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। स्ट्रक्चर उसका ऐसा होगा कि जहाँ पर सिर्फ नो एजुकेशन देनी है और एजुकेशन लेनी है। क्लियर है? उसके बाद क्या है, करिकुलम। करिकुलम क्या होता है? पाठ्यक्रम, इसकी हिंदी हो गई, मुझे हिंदी में साथ बोलनी पड़ेगी, फिर तुम बता पाओगे कि क्या होगा। हाँ, पाठ्यक्रम या करिकुलम क्या चीज़ होगी? पाठ्यक्रम या करिकुलम एक साल के लिए एक बच्चे के लिए डिफाइन किया गया है कि एक साल में एक क्लास के बच्चे ने इतना कुछ गेन करना है, जो थ्योरीज, जो कंसेप्ट उसमें गिवन होंगे, कि आप चाहे वो पढ़कर, चाहे स्कूल आकर, चाहे ग्राउंड में आकर, कि वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको उस क्लास में मिलेंगे। हर एक क्लास का करिकुलम अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि हर एक क्लास के बच्चों की एज अलग है, इंटरेस्ट अलग है, उनकी कैपेसिटीज अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि नर्सरी वाले को हम टेंथ का काम करा देंगे और टेंथ वाले को हम नर्सरी का काम। पॉसिबल है ऐसे? नहीं ना। तो नाइन्थ जो नर्सरी वाला बच्चा है उसको उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली करिकुलम मिलता है, जो टेंथ वाला है उसको उसके अकॉर्डिंगली करिकुलम जो है वो डिफाइन किया जाता है। ठीक है, करिकुलम जो वर्ड है वो कुरियर से निकल कर आया है, इसका मतलब होता है रेस कोर्स। ट्रैक देखा है, या रेस कोर्स, या रनवे देखा है? रेस कोर्स किसको बोलते हैं? जहाँ पर एक धावक दौड़ता है। अब आप लोगों ने कभी किसी देखी होगी, इस तरीके से ट्रैक बने होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लिखा होता है स्टार्ट, और यहाँ पर क्या लिखा होता है, फिनिश। ठीक है, तो कुरियर है, या इसको हम क्या बोलते हैं, रेस कोर्स। इट मीन्स ये वो पाथ है जिसके ऊपर एक स्टूडेंट चलेगा और टीचर उसको चलवाएगा। ठीक है, क्लियर है? और यही एक करिकुलम ही एक मीडियम है। अब हम लोग रोज मिलते हैं ना, हर रोज हम किसके ऊपर बात करते हैं? वो सारे टॉपिक जो आपकी सिलेबस की बुक के अंदर मेंशन है। क्या इसके अलावा हम लोगों ने आज तक बात की है? की है, बट आउटसाइड दी क्लास। जब हम क्लासरूम में बैठ गए, टीचर लेक्चर स्टैंड पे आ गया, बच्चों ने अपनी सीट ले ली, तो सिर्फ एक क्या रह जाता है हमारे पास, करिकुलम ही एक माध्यम है जिनके ऊपर हमने बोलना है, बात करनी है, अपने व्यूज़ एक्सचेंज करने हैं। ठीक है, तो यही टीचर और बच्चे को इंटरेक्शन करने का मीडिया देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस कोर्स है। हमारे पास स्टार्टिंग लाइन होती है कि हमें कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है। जो यहाँ वाला बिहेवियर होता है उसको हम बोलते हैं एंट्री बिहेवियर। क्या बोलते हैं? एंट्री बिहेवियर। कि जब एक बच्चा क्लासरूम में आता है, यानी कि सिक्स या सेवन्थ में उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, तो उसका क्या बिहेवियर था, कि हम क्या अज्यूम करते हैं कि क्लास सिक्स तक का सारा करिकुलम वो करके आया होगा, मानते हैं? तो वो क्या होगा इसका, एंट्री बिहेवियर। और एग्जिट बिहेवियर क्या होगा उसका, हाँ तो वो तो एग्जिट हो गया ना। एग्जिट बिहेवियर में उसके पास क्या कुछ होना चाहिए, वो सारे एक्सपीरियंसेस जो उसने क्लास सिक्स तक गेन किए हैं, प्लस एक साल उसने और एक्सपेंड किया है क्लास सेवन्थ का। तो एग्जिट बिहेवियर में ये अज्यूम्ड रहता है कि उसके पास क्लास सिक्स प्लस क्लास सेवन्थ में जितना करिकुलम करा दिया गया है वो सब उसको
आता होगा, क्लियर है। तो ये आपके पास कुछ टर्म्स है, इसके ऊपर डिटेल जो है हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बात कि इसका रोल है क्या एक्चुअल में हमारे स्कूल करिकुलम के ऊपर। ठीक है, होप कि इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।